कि सिंसेरा फिटनेस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज धनतेरस है तो आप लोगों को हैप्पी धनतेरस। जो भी मेरे YouTube फैमिली है एंड अदर भी जो फैमिली है, उन सभी को, आपके परिवार को, अपने पूरे फ्रेंड को, आप जितने लोग भी शेयर कर रहे हो, सबको मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस एंड एडवांस हैप्पी दिवाली। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ प्राइम, जो बेस्ट प्रेम टाइम जो होता है प्राइम टाइम, वो प्रोटीन लेने का वो कौन सा टाइम है एंड आपको प्रोटीन किस समय जरूरत है, कंपलसरी है कि आपको वो प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, जहां पर आपका फुल मसल ग्रोथ होने का चांस रहता है। तो वो प्राइम टाइम में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्किप ना करें और अपने भाई के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का बटन है जाके सब्सक्राइब करें एंड आइकॉन का बटन है उसे भी टच करें और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से जो हूं आज आप लोगों के प्यार से हूं। सो फुल सपोर्ट दिखाएं एंड अपने भाई को आगे बढ़ाएं। सो स्टार्ट करते हो अपनी वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस धनतेरस के मौके में मैं प्राइम टाइम इसलिए लेकर आया क्योंकि प्राइम टाइम, एक्चुअली मैं प्राइम टाइम वाली प्राइम टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेजोन या फ्लिपकार्ट या अदर कंपनी की प्राइम टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइम टाइम टेक टू प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइम टाइम कब होता है एंड किस टाइम आपको प्रोटीन मैंने लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी और कंपल्सरी होता है, जो नहीं लेने से आपका मसल लॉस भी हो सकता है और शायद आपके जो भी गोल्स हो वो नहीं हो पाएंगे। सो स्टार्ट करता हूं अपनी ये अपनी टॉपिक। तो आप मैं बता दूं, दो तरह के इंसान होते हैं, एक तो हम लोग जो फिटनेस वाले लाइन में है, जिम जो कंपल्सरी है वो जिम जाते हैं, और जो एक नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल है, जो जिम से कोई रिलेटेड नहीं है, तो विदाउट जिम वाले और जिम वाले, और इसमें मैं ऐड करूंगा और भी जो एथलेटिक कर रहे हैं जैसे कि स्पोर्ट्स में है, और भी जैसे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स में है जो वो, उनको भी मैं अपने जिम वाले में गिनती कर रहा हूँ और नॉर्मल इंसान को अलग कर रहा हूँ। तो नॉर्मल वाले भी, उनके लिए भी ये फायदा है एंड और जो एथलेटिक एंड मसल ग्रोथ एंड जिम वाले फिटनेस के गोल्स में है, फिटनेस लवर है, उन लोगों का मैं मील बताऊं। सबसे पहले तो मील आपको, अगर नॉर्मल इंसान है आप, तो नॉर्मल इंसान की मील जो होती है 3 से 4 होती है, वो भी मैं बता दूं, फर्स्ट होती है ब्रेकफास्ट, सेकंड होती है लंच, थर्ड होती है डिनर, ये हो गया नॉर्मल इंसान की। बट हम लोग है फिटनेस लवर, हम लोग है फिटनेस वाले गोल्स, तो हम लोगों को मिनिमम आपको ये पता होना चाहिए कि 6 मील हमारा कंपलसरी होना चाहिए, 6 मील 6 मील 6 मील में आपको मैं बता दूं, फर्स्ट जो होता है ब्रेकफास्ट, सेकेंड होता है स्नैक्स टाइम, थर्ड होता है लंच, फोर्थ होता है पोस्ट वर्कआउट मील एंड 5 होता है डिनर एंड 6 होता है बिफोर बेड। तो बिफोर बेड ये 6 मील्स हमारा कंपलसरी है, 6 मील लेना ही पड़ेगा अगर आप बॉडी लाइन फिटनेस लाइन में हो, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, 6 मील आपको जरूरत पड़ेगी। अगर कुछ भी आप एथलेटिक में भी हो तो आपको एक 6 मील, या स्विमर हो या कुछ भी हो स्पोर्ट्स में हो, 6 मील लेना बहुत जरूरी है। बट ये 6 मील में अगर आप सब में प्रोटीन कर रहे हो, सब में प्रोटीन ले रहे हो, बट इसमें से प्राइम टाइम कौन सा है जिसमें आपको लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लेते हो तो आपका मसल लॉस होने की संभावना रहती है और मसल ग्रोथ नहीं होगा, और अच्छी फिजिक जो चाहिए, अच्छी फिजिक, अच्छी बाइसेप, अच्छी ट्राइसेप, आपको अच्छी बॉडी चाहिए, तो वो नहीं मिल पाएगा। तो वो मैं बता दूं, सबसे पहला जो आता है वो है जब आप रात में सोते हो, रात में जब सोते हो, सुबह उठते हो, तो आपका बॉडी जो है पूरी 8 घंटे से 9 घंटे आपको वो फास्ट रखती है, कुछ नहीं खाते हो आप, तो 8 घंटे के बाद जब उठते हो तो फर्स्ट हम लोग का मील होना चाहिए ब्रेकफास्ट में, वहां आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट प्राइम टाइम हुआ हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप या तो फूड से लो, या तो अगर आपके पास सप्लीमेंट है, वे प्रोटीन है, तो वे प्रोटीन से लो, ताकि आप रिकवरी आपको जल्दी से जल्दी मिले और आपकी बॉडी को प्रोटीन जल्दी मिले। तो आप या आपके पास फूड हो, या जैसे एग वाइट हो, या और भी ऐसे जो छेना हो, पनीर हो, कुछ भी ऐसे आइटम्स हो जिसमें प्रोटीन हो, या नहीं है सप्लीमेंट है आपके पास वे प्रोटीन, तो वो आप मान लो, क्योंकि वो अगर आप ले लेते हो तो फर्स्ट प्राइम टाइम आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन मिल जाती है, जिससे वो रिकवरी होने की
चांस बढ़ जाती है। एंड सेकंड प्राइम टाइम, सेकंड प्राइम है स्नेक, और ये नहीं बात करूंगा ना लंच की बात करूंगा, सेकंड जो प्राइम टाइम है आप लंच में आप नहीं ले पा रहे हो या स्नेक में नहीं ले पा रहे हो, तो सेकंड टाइम आपका जो होता है पोस्ट वर्कआउट मील, वो है प्राइम टाइम सेकंड टाइम, क्योंकि आप बॉडी को पूरे बॉडी को तोड़ के आते हो वहां पर, जितनी एनर्जी सारे निकाल के आते हो, तो उस समय आपकी मसल लॉस होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि आप उसे रिकवरी के लिए प्रोटीन नहीं दे रहे हो, तो उस समय आपको प्राइम टाइम याद रखना होगा, सेकंड प्राइम टाइम। अगर आप लंच में दो या ना दो कोई परवाह नहीं है, बट पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन दो, या तो फूड से या तो आपके पास सप्लीमेंट है तो सप्लीमेंट जल्द से जल्द रिकवरी करती है, वे प्रोटीन हो तो और भी बहुत अच्छा है। एंड अगर आपके पास सप्लीमेंट नहीं है तो फूड से ही आप ले सकते हो, एग वाइट है, छेना है, पनीर है, और ऐसे बहुत सारे आइटम जिसमें आपको प्रोटीन का सोर्स ज्यादा हो, तो ये आप ले सकते हो सेकेंड प्राइम टाइम। एंड थर्ड प्राइम टाइम होता है वो है बिफोर बेड। तो बिफोर बेड मीन्स अगर आप डिनर कर चुके हो, डिनर के बाद एक घंटे बाद आपको जब सोना है, सोने से एक घंटे पहले आपको आधे घंटे पहले जो बिफोर बेड टाइम होता है, क्योंकि आप 8 घंटे बॉडी को रिलैक्स दोगे, 8 घंटे आपकी बॉडी पेट जो है पूरी खाली रहेगी, तो उस समय आपको प्रोटीन जो रिकवरी होती है ना सोने से, टेस्ट बूस्ट होता है, तो वो आपको उसी समय मिलेगा जब आप उस समय आप प्रोटीन दे रहे हो। तो थर्ड प्राइम टाइम है बिफोर बेड, वहां पर आप सप्लीमेंट का यूज कर सकते हुए प्रोटीन का, या तो आप एक वाइट का भी कर सकते हो या छेना का भी कर सकते हो, तो फूड से लो या सप्लीमेंट से ये परवाह नहीं होता है, ये मैटर नहीं है, बट आपको ये मैटर है कि आप प्राइम टाइम में ले रहे हो कि नहीं हो। तो ये 3 प्राइम टाइम आपको याद रखना है, फर्स्ट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट, सेकंड आपको पोस्ट वर्कआउट मील, थर्ड है बिफोर बेड। ये 3 प्राइम टाइम आपको लेना है, और इसके ऊपर भी अगर आप लंच में, स्नैक्स में या डिनर में आप ले रहे हो प्रोटीन, तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा आपके लिए, तो आपकी मसल ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, आप एक अच्छी फिजिक जरूर बनाओगे। अगर ये सब नहीं कर रहे हो, प्राइम टाइम में भी नहीं दे रहे हो और उसमें भी प्रोटीन नहीं जा रहा है, तो आपका कोई भी गोल हो, चाहे वो बड़ा गोल हो छोटा गोल, कुछ भी नहीं होगा। और अगर दे रहे हो और उसके बावजूद अलग से भी प्रोटीन जा रहा है, तो वो सोने पर सुहागा है, तो वो आपकी बॉडी जरूर एक अच्छी कामयाबी मिलेगी। सो ये थी मेरी वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना एंड कमेंट करके बताना, एंड अपने भाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने भाई का ही चैनल है, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से मुझे ये पता चलेगा आप लोग कितना प्यार कर रहे हो, एंड आइकॉन का बटन टच कर लेना ताकि मेरी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरे को देख पाओ। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड फिट। और लास्ट ज्यादा भी बोलूंगा, पटाखे जलाओ पर पटाखे मत जलाओ यार, पटाखे नहीं जला के क्रैकर्स मत फैलाओ, और कुछ ऐसे दिवाली मनाओ जिससे लोग में खुशियां बांटे, एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।